सिलेंडर भी थोड़ा थोड़ा करके दाल जल्दी पक जाती है उस पर पका लेंगे, वो इन्होंने सिलेंडर भी महंगा कर दिया तो क्या करें, फिर आवाज़ भी ना उठाएं। मोदी जी की ईवीएम है भैया, ईवीएम लगती तो जभी तो हमारे इतने वोट ये ले जाते हैं, वरना ये एक भी ना ले जाएं, बैलेट पेपर पे कराएं, नहीं नहीं एक वोट ना मिले। जो भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है ये भ्रष्टाचार के दम पे जीत रहे हैं। आपने एक नेता को बाहर के बाहर जमानत दे दी, एक नेता को आपने अंदर ले जाके बिठा रखा है, बेल होने नहीं देते हो, जब भी बेल होने का टाइम है ईडी बिठा दी, किस बात पे ईडी बिठा दी, सब दिल्ली वालों पे लागू होते हैं, ये भाजपा पे क्यों नहीं लागू होते, उनके कार्यकर्ताओं पे क्यों नहीं लागू होते, सब सब आम आदमी पार्टी के गरीब लोगों पे ही क्यों लागू होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ और बड़ी तादाद में कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा भीड़ को दिखाएं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और जो एक आपने कल मीडिया पर देखा होगा जिस तरीके से पूरा बवाल ये मचा है कि पोस्टर को लेकर जो पूरा बवाल चल रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, जिसको लेकर 200 से करीब FIR हुई है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रुख रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हज़ारों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तमाम लोग हैं जी, क्या कहेंगे मैम ये जो आपत्तिजनक पोस्टर लगवाए गए हैं दूसरों के, क्या आपत्तिजनक है ये पोस्टर, ये तो सच्चाई है भाई। अब आप CBI के झूठे केस में ईडी वीडी इनमें हमारे नेता को फंसाओगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे, आप या आपको ये सही लग रहा, मतलब 10,000 करोड़ कहाँ छुपा दिए ये तो बता दीजिए, उनके तकिए फाड़ दिए, उनके गद्दे फाड़ दिए, उनके दाल चावल के डिब्बे खोल दिए, उनके रिश्तेदारों के घर चले गए, उनकी दीवारें फोड़ दी, कहाँ रखे हैं आप ही बता दो, हम भी परेशान हैं, हम तो ठगे से बैठे हैं कि हमारे नेता क्यों हैं अंदर, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रही ये बात। मोदी जी थोड़ा सा तो बता दें कि हम लोग भी ज़रा सा परेशानी से दूर हो जाएं कि क्यों कर रहे हैं ये काम मोदी जी। आरोप तो लगे, आरोप तो मैं भी आप पे लगा दूं कि आपका माइक सही नहीं है, तो आरोप तो कोई भी किसी पे लगा देगा, आरोप लगाने के लिए तो सब आज़ाद हैं। आप बताओ आरोप लगाने के ऊपर किसी के ऊपर है जुर्म है कि इसने आरोप लगा दिया, सब स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए, आप मुझ पे लगा दो, सही जवाब नहीं दे रही मैं आप पे लगा दूं। तो कहीं ना कहीं आपको गेम चल रहा है, गेम तो चल ही रहा, वो तो सबको समझ में आ रहा। क्या कहेंगी मैम गैस के सिलेंडर के बारे में, आपने कभी मोदी जी को क्यों हटा रहे हैं आप लोग, मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि 1160 रुपये का सिलेंडर क्यों किया है, महिलाएं कितनी परेशान हैं घरों में, किस तरह है 1200 रुपये का तो अब हुआ है ना, उससे पहले अभी तो दो चार दिन पहले मैंने जो लिया था लास्ट सिलेंडर मैंने इस रेट पे लिया था 1160 का, अब मैं नया सिलेंडर लूँगी तो वो 1200 का हो जाएगा, तो क्या एक बार क्वेश्चन उनसे भी तो पूछा जाए, स्मृति ईरानी से पूछा जाए कि मैडम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो, 400 रुपये का जब सिलेंडर मिलता था उस टाइम पे तो आपने किसी से नहीं पूछा सवाल है, आप पूछो ना सवाल कि इतनी महंगाई, पूरे विश्व में मोदी जी की छवि है और आप लोग आपत्तिजनक पोस्टर लगा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जब यहाँ पर महिलाएं अपना घर सही से नहीं चला पा रही तो और बताओ क्या करेंगे, ना घर सही से चला पा रहे ना शिक्षा फ्री के हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे वो भी बंद कर रहे हैं, तो क्या भूखे रह जाएं, बिल्कुल क्या करें, महिलाओं का ही काम है ना घर चलाना, चला ही नहीं पा रहा है, क्या करें, चलाने ही नहीं दे रहा है, अच्छा खासे हमारे बच्चे पढ़ रहे थे कि चलो सरकारी स्कूलों में हम बच्चे को पढ़ा के दाल रोटी खिला लेंगे, सिलेंडर भी थोड़ा थोड़ा करके दाल जल्दी पक जाती उस पर पका लेंगे, वो इन्होंने सिलेंडर भी महंगा कर दिया तो क्या करें, फिर आवाज़ भी ना उठाएं। दिल्ली में हाँ जी हम चूल्हा भी नहीं जला सकते, जनादेश कहाँ है पक्ष में, अपने आप से पक्ष कर रखा, ऐसे मणिपुर में जीत गए, ऐसे चुनाव जीतने का क्या है, चुनाव भी जिस तरह से जीते बैलेट पेपर पे कराए, चुनाव क्यों नहीं करा रहे, कोई काम तो करे, केजरीवाल जी भी तो EVM से जीते, हम तो वो तो उनके साथ जनता है, वो तो आपको भी दिख रही, तो मोदी जी भी तो मोदी जी की EVM है भैया, ये सोचो ना उनकी EVM है, तो दिल्ली इलेक्शन में तो EVM यहाँ पर भी लगती है, EVM लगती तो जभी तो हमारे इतने वोट ये ले जाते हैं, वरना ये एक भी ना ले जाएं, बैलेट पेपर पे कराएं, नहीं नहीं एक वोट ना मिले एक भी। आरोप लगता है रिश्वतखोर कहते हैं, लगातार ट्वीट किया जाता है कि केजरीवाल रिश्वत, किसी एक बंदे ने आके बोला मैंने रिश्वत दी, कोई पकड़ा गया मुझसे रिश्वत ली, ये सब अपनी तरफ से करते हैं भाई, सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी है इनकी। कुछ और लोग भी है जी, क्या कहेंगे सर मोदी जी को क्यों हटा रहे हैं आप, मोदी हटाओ के नारे क्यों लग रहे हैं, ये देश की
मांग है मोदी हटाओ देश बचाओ। आज देश के अंदर सब कुछ इन्होंने बेच दिया है, रेल बेच दी इन्होंने, LIC बेच दी, पूरे देश के अंदर आज इतना बुरा हाल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप, हर चीज़ के अंदर दिक्कत हो गई है। मतलब कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है, पिछले 8 साल के अंदर बहुत बुरा हाल कर दिया देश का। इसलिए जनता की, देश की मांग है कि मोदी हटाओ। ये देश की मांग है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हर आदमी, हर जनता, जहाँ पे भी आप जाएंगे सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आप एक महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई हो गई है पिछले 8। लेकिन लोग तो कहते हैं शेर को पाल लेंगे हम, 200 रुपये पेट्रोल डलवा लेंगे। कोई ऐसे नहीं बोल रहा है, आप उन लोगों से पूछो जो जो लोग डेली सुबह पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, उनके दिल से पूछो कि वो कैसे 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया आज हिंदुस्तान के, कितना दुर्भाग्य है। तो ये सब महंगाई है जिससे लोग, अरे पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, ये आप कह रहे हो, लेकिन जनता से पूछो, उनके दिल से पूछो कि आज वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे वो कमा पा रहे हैं, कैसे वो ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 1100 रुपये 1200 रुपये लीटर सिलेंडर, एक सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये हो गई है। किस भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई कर रहे हैं आप मुझे बताइए? ED इनके पास, CBI इनके पास, दिल्ली पुलिस इनके पास में, जो ये चाहते हैं जिसको चाहते हैं उसको जाके जेल में डाल देते हैं, सबूत कोई मिलता नहीं है। मनीष जी के ऊपर 3-3 FIR दर्ज की, उसमें कोई सबूत इनके पास नहीं मिला, उठा के इन्होंने ED और CBI के थ्रू जेल में डाल दिया। इनके पास कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत इनके पास होता तो दिखाएं, प्रूफ करें कि उनके मनीष सिसोदिया ने ये घोटाला किया है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जाँच कर रहे हैं और जाँच के लिए इन्होंने परेशान करने के लिए जेल में डाला हुआ है। जनता इन्हीं के साथ क्यों है? क्या बोला आपने? जनता इन्हीं के साथ क्यों है जिसे नॉर्थ ईस्ट में जीत गए तीनों की? आपको ये पता होगा कि अभी इतना जो भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है, ये भ्रष्टाचार के दम पे जीत रहे हैं, और अभी 2024 के अंदर जो इलेक्शन लोकसभा का आ रहा है, आपको पता लग जाएगा कि लोग कितना इन्हों चाह रहे हैं। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी क्या कहेंगे मैम? ये जो पोस्टर लग रहे हैं मोदी गलत नहीं है सर, सही है बिल्कुल, मोदी हटाओ। क्यों मोदी हटाना चाहते हैं ये गरीब जनता से पूछ के देखो कि हम क्यों मोदी हटाना चाहते हैं। आप एक बार गरीब जनता से सर्वे करो ना, जब भी जाते हो सारे व्यापारियों के पास जाते हो, एक बार गरीब जनता से जाकर। हम तो आपके पास आए, हम भी गरीब जनता है, इस देश की जनता, इस देश की बेटी है, हम भी चाहते हैं गरीबों का जो हो भला हो। गरीब आज पिस रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता। तो क्या ये महंगाई के चक्कर में मोदी हट रहे हैं? सर महंगाई नहीं, हर चीज में मोदी जी ने। क्या क्या चीज है सर? देख जहाँ भी देखो महंगाई इतनी हो गई है। अभी ना मैं झंडे वाले मंदिर होकर आई हूँ, कोई समय था हम छोटे से झंडे वाले मंदिर जाते थे, इतना मन खुश होता था। आज वहाँ मैं गई, सारा सन्नाटा मंदिर में, कई सारी गरीबों की सारी रेड़ी पटरी सब हटा दी गई, कोई दुकान नहीं है वहाँ पे, एक दुकान नहीं है, कहाँ जाए वो? वहाँ पर एक दुकान लगी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या हो गया यहाँ पर, क्या सारी दुकानें कहाँ गई? वो बेचारी रो पड़ी, कह रही मैडम मैं क्या बताऊँ, हमारे तो रोटी खाने के लाले पड़ गए, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मैं लोकल लोगों से मिली वहाँ पर जाकर। आप बताइए सर, तो यही मुद्दे हैं इसीलिए मोदी जी को? सिर्फ गरीबों की जो दुर्दशा हो गई है, सिर्फ गरीबों को ठीक करने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए, गरीबों को आगे ले जाने के लिए, गरीबों को। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था ठेकेदारी खत्म कर देंगे, अभी तक तो ठेकेदारी खत्म नहीं हुई। सर हम तो पता नहीं क्या क्या खत्म कर दे, लेकिन क्या होता है अभी देख लो, बजट का इन्होंने विधानसभा में एक बार भी ठेकेदारी के लिए नहीं बोला केजरीवाल जी। क्यों नहीं बोला? कब बोला आप बताइए? बोला है जब 2014 में बोला सर ने, क्यों नहीं बोला था? 2014 में बोला था, जो भी मुद्दे हम लेकर आते हैं हमारे, आप बताओ बजट किस वजह से रोका? क्या दिल्ली का CM बजट पेश नहीं करेगा? क्यों रोका? आप जवाब दीजिए, आप मोदी जी से जाके पूछिए ना कि क्यों नहीं देगा दिल्ली का CM बजट, क्यों उनका बजट रोका? मनीष जी को उन्होंने इतने दिन से पकड़ा हुआ है, मनीष जी की क्या गलती है? तो गलत होंगे ना कहीं ना कहीं। अच्छा जो गलत था उसको कैसे घर बिठा दिया, उसको कैसे बाहर के बाहर जमानत हो गई? जो गलत था उसको जमानत हो गई, जिसके घर पे इतना पैसा मिला सर, आम पकड़ा गया बंदा उसको जमानत हो गई, जिसके घर पे कुछ नहीं मिला उसको बेचारे को। आप कानूनी प्रक्रिया पे सवाल, कानूनी प्रक्रिया पे क्यों नहीं उठाऊंगी? एक वो भी तो नेता है, 8 करोड़ रुपए जिसके। आप कर्नाटक वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी कर्नाटक वाले की बात कर रही हूँ, BJP का नेता था, बाहर के बाहर जमानत हो गई। आपके पास भी तो टॉप के वकील है, कानून तो सबके लिए बराबर है मैडम। कानून सबके लिए बराबर तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताओ ना आप, क्यों नहीं हुआ? सबके लिए बराबर है तो सबके लिए बराबर। तो जो सिसोदिया जी हैं, हो सकता है वो अपना पक्ष नहीं सही से रख पाए। क्यों नहीं रख पाएंगे? रखने तो दो। आपने एक नेता को बाहर के बाहर जमानत दे दी, एक नेता को आपने अंदर ले जाके बिठा रखा है, बेल होने नहीं देते हो। जब भी बेल होने का टाइम है ED बिठा दी। किस बात पे ED बिठा दी?
जरूरत क्या थी ईडी बिठाने की? सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं, सारे प्रशासन सिर्फ आम आदमी पार्टी पे, सिर्फ गरीब जनता पे लागू होते हैं, इन बीजेपी के भाजपा के लोगों पे लागू नहीं होते, सारे इन्हीं पे लागू होते हैं। क्यों? सब दिल्ली वालों पे लागू होते हैं, ये भाजपा पे क्यों नहीं लागू होते, उनके कार्यकर्ताओं पे क्यों नहीं लागू होते, सब आम आदमी पार्टी के गरीब लोगों पे ही क्यों लागू होते हैं? और भी तो कानून है ना, कानून सबके लिए बराबर है तो सबको बराबर। हम नहीं कहते कि हम पे उंगली मत उठाओ, अगर हम पे उंगली उठा रहे हो, अगर हमारे बारे में कुछ बोल रहे हो तो अपने आप को भी तो देखो, अपना चेहरा भी तो देखो, अपना भी तो आईने में चेहरा देखो। कर्नाटका का बीजेपी का भाजपा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत कुछ हो गए, उसको बाहर के बाहर बेल दे दी गई, हम लोगों को अभी तक डाल रखा है, जबकि अभी तक कोई सबूत नहीं ले पाए, कोई पैसा नहीं निकाल पाए, उनके घर चले गए, उनके ननिहाल चले गए, उनके ससुराल चले गए, मिला कुछ मनीष जी के खिलाफ? मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, लेकिन फिर भी हम लोगों को पागल बना रखा है, जबरदस्ती का प्रशासन हम पे थोप रखा है मोदी जी ने। सिर्फ यही परेशानी है कि गरीबों को हम लोग शांत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम लोग थे, आपने देखा पोस्टरों का जो पूरा माहौल बना हुआ है और अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है। आप क्या सोचते हैं इन सबके बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।